तो जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आई हर्ष बेनीवाल की तरफ से। दरअसल यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि रोस्ट सिग्मा के चैनल पे जो है ये वाला वीडियो अपलोड हुआ है, हर्ष बेनीवाल एक्सपोज्ड। यहाँ पर जो है रोस्ट सिग्मा ने हर्ष बेनीवाल को एक्सपोज किए है, वहां पर उन्होंने जो है काफी सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं। मैं आप लोग को सब तो नहीं बता सकता, अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो देखना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात हुई है जैसे कि हर्ष बेनीवाल जो कि बॉलीवुड नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो वहीं पर खुद जो है अपनी बहन को प्रमोट करते हैं, उसके चैनल को जो है प्रमोट करते हैं। और तो रोस्ट सिग्मा ने ये भी कहा कि हर्ष बेनीवाल वो जो है कई बार दूसरे के कंटेंट को कॉपी करते हैं, उस वीडियो में जो है प्रूफ भी बताए गए हैं। एनीवेज आप लोग जाके जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आइए क्लिप बताना चाहूंगा जहां पर रोस्ट सिग्मा ने बात किया है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक को लेके। जी हाँ, जैसे कि अभी जो रील्स वगैरह आ गया है उसको लेके, तो आप लोग वो क्लिप देख लो, आप लोग समझ जाओगे। हुआ था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की सिचुएशन में, बहुत सारे यूट्यूबर्स कूदे थे इस जंग में, ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स, और क्या बोलते थे उनको, छक्का, मीठा, मुजरा। और टिकटॉक बैन हुआ था तो बड़े खुश हो रहे थे यार सारे के सारे। अब तो यूट्यूब को ही बना दिया ना टिकटॉक, अब कौन जीता। और अगर आपको वो कंटेंट नहीं पसंद तो खुद ना बनाओ ना वैसी चीजें। बट भैया आप बोलने के बाद तो खुद रील्स पे पड़े होते हो, वो लिखने वाले है ना कि भाई यूट्यूब अलग है, टिकटॉक अलग है, रील्स अलग है, तो भाई ये सुन ले पहले। ये मेरे भाई बंधु जो रील्स पे वीडियो डाल रहे हैं उनको एक बात सच बता दूं, टट्टी चाहे खेत में करो या फाइव स्टार होटल में, टट्टी टट्टी होती है, ठीक है। और टट्टी ना बाथरूम में अच्छी लगती है, मेरे इंस्टाग्राम फीड पे नहीं, तो यहाँ टट्टी मत करो, वो टिकटॉक पे सही थी, प्लीज इसको टट्टी खाना मत बनाओ। और अभी अपना मुंह बंद रखना तो ज्यादा बेटर होगा। ट्रेंडिंग पेज की जगह यूट्यूब शॉर्ट्स आ चुके हैं, तुम्हारे खुद के प्लेटफॉर्म ने तुम्हारी गन मार ली। और तुम लोगों को याद होगा कि कैरी ने टिकटॉक पे एक वीडियो डाली थी ये वाली, और थोड़े ही दिन पहले आमिर सिद्दीकी ने शॉर्ट्स पे पहली वीडियो यही डाली है, मुतवालिया मुंह पर। वैसे आशीष भैया बात तो सही है यार, वो सही में आगे अपनी मार्केट खा गए। मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि एज ए इन्फ्लुएंसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। तुम लक्ष्य देख लो, तुम एलविश देख लो, तुम हर्ष बेनीवाल देख लो, तुम आशीष चंचलानी देख लो, तुम हर्ष बेनीवाल की टीम देख लो, तुम टेक्निकल गुरु जी देख लो, सबके सब रील्स पे पड़े हैं, सबने शॉर्ट वीडियो क्लिप कॉन्टेंट की ऐसी तैसी मारी थी, सबने बहती गंगा में हाथ धोया, सबने टिकटॉकर को छक्का बोला था, सबने उनकी इमेज खराब की थी, एट दी एंड वो भी इंसान है, कॉन्टेंट क्रिएट। तो गाइस इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूं कि भाई अभी तक जो लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को। वैसे तो मैं कभी लाइक का टारगेट रखता नहीं हूं, लेकिन आज 10,000 लाइक का टारगेट रख देते हैं, आप लोग जरूर से करना, मतलब कर सकते हो आप लोग। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज लाते रहता हूँ। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वाली आमिर सिद्दीकी की तरफ से। होता कुछ ऐसा है कि आमिर सिद्दीकी उन्होंने जो ये वाली पोस्ट अपलोड की अपने इंस्टाग्राम पे, और कैप्शन में कहा, गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जो इनके लिए लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो उसी पर जो है किसी ने कमेंट किया और कहा, गीता की बात कर रहा है वो जो अपने आगे किसी धर्म को नहीं मानते। उसी पर आमिर सिद्दीकी उन्होंने कहा, कैप्शन तेरे लिए है लाला, पहले जाओ गीता पढ़ के आओ फिर बात करेंगे। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है अमित भड़ाना की तरफ से। तो भाई उन्होंने जो है ये वाली स्टोरी अपलोड की है जहां पर लिखा है न्यू वीडियो, तो लगता है उनका नया वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने जो है अगली स्टोरी में कहा, लास्ट 2 महीने से कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, धीरे धीरे सब अनाउंसमेंट करूंगा। फिर कहा, ध्यान रखे अपना, मैं सोशल मीडिया पे इनएक्टिव था, मैं बहुत ही इमोशनल हो गया हूं आप लोगों के केयरिंग मैसेजेस देख के, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं और लिख रहा हूं। तो देखते भाई अमित भड़ाना कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो कब तक आता है। गजगली जी न्यूज़ आ रही है अनुष्का सेन की तरफ से। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अनुष्का वो जो है खतरों के क्यों अटकता हूं खतरों के खिलाड़ी शो के लिए शूटिंग कर रही है, और वो वहां पर जो है काफी सारे स्टार्स से मिल रही है, तो वो जो है अब मिली श्वेता तिवारी से। जी हाँ, ये कुछ फोटोज अपलोड की है और कैप्शन में कहा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे साथ दोबारा काम करने के लिए, तुम बहुत ही स्वीट हो और हम्बल पर्सन हो, बालवीर के बाद अब हम यहाँ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में साथ में है। गजगली जी नुजारी और ये खान सर को लेके, दरअसल ये जो है एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर 9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, और इसका पूरा नाम है खान जीएस रिसर्च सेंटर। अब होता कुछ ऐसा कि अचानक से जो है ट्विटर पे हैशटैग रिपोर्ट ऑन खान सर ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ गया। अब जब मैंने उस पर क्लिक किया और डिटेल निकाला तो मुझे पता ये चला कि काफी सारे लोग जो है खान सर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ट्वीट। रीजन ये है कि कहा जा रहा है कि खान सर वो जो है इस्लाम के बारे में और मुस्लिम्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के जरिए, और मुस्लिम कम्युनिटी को जो है टारगेट कर रहा है। अब ऐसे जो है कई सारे ट्वीट्स आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ज्यादा जानकारी के लिए मैं आप लोगों को जो है कुछ वीडियोस बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि ये जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग पे क्यों आया और लोग इतनी आवाजें क्यों उठा रहे हैं। तो जो मैं अभी आप लोगों को वीडियोस बताने वाला हूं खान सर के, वो जो है वायरल चल रहे थे ट्विटर पे, आइए देखते हैं। सियालो और भी बहुत सारा नियम कानून है, अरे भाई साहब मत पूछिए, ये समझाइए नहीं पाइएगा आप, गजब टाइप का हो जाता है। एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, हमको मिल गया सभी 2 कैटेगरी का, एगो ये एगो ये भाई साहब हम बोले कि नहीं बोले समझ में नहीं आता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एक जो वहावी वाले मिले तो कह दे, देखिए जब नमाज पढ़िए तो हाथ यहाँ मत रखिए,
थोड़ा ऊपर रखिए, आप पैर ज्यादा फैलाइए, हमको आप हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं कि परेड करना सिखा रहे हैं, तो ये सुनने वाले भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हाथ थोड़ा नीचे कीजिए और पैर थोड़ा कम फैलाइए। अजब हाल है भाई, कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। अरे उन्हें इसको पैदा होने से तो कोने काम आएगा, सो कोनो कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। केवल एक देश है, इधर 57 देश खड़े हैं, सो अकेला उससे फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है, जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी है, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के है लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो उदाहरा है, और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो एंड गाइस, यहाँ पर मोहम्मद अरबाज करके एक यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने जो है पूरा एक एक्सपोज वीडियो अपलोड किए है खान सर पे, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है जन्नत जुबैर की तरफ से, तो भाई जन्नत जुबैर वो जो है लाइव आई थी, जहाँ पर कुछ लोग जो है हेट कॉमेंट्स कर रहे थे, तो वो देखने के बाद जन्नत जुबैर का जो है कुछ ये कहना था। कोई बात नहीं, कोई बात। You know guys, it's very sick of y'all to write abusive comments during lives or during anything. It's just weird. Please get a life, everyone. Please, जो भी ऐसा फालतू चीजें लिखते हैं। मुझे नहीं समझ आता ये देखते क्यों हैं। क्या? Why do they even follow us? No, it's just they're sick. Guys, you are sick. Get lost. Get the hell out of my life. अगली जो न्यूज़ आ रही है मुंबई कर निखिल की तरफ से, तो होता कुछ ऐसा कि मुंबई कर निखिल, उन्होंने जो है अपने इस वाले व्लॉग के एंड में एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। जी हाँ, और वो जो सस्पेंस है वो एक सरप्राइज को लेके है। आप लोग सबसे पहले वो क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। Come on, take care, do whatever you want, our lovely friends. ठीक से देख। क्या? I really shocked him. तो भाई मुंबई कर निखिल का ये फेस देखने के बाद लोग जो है कमेंट्स करने लगे, जूनियर निखिल ऑन द वे, मुंबई कर निखिल 2.0, आई गेस निखिल विल बिकम अ फादर सून, ऐसे टाइप के जो है कमेंट्स आ रहे थे। एनीवेज लोग जो है सरप्राइज जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे थे, तो इसी के बारे में जो है बात करते हुए फिर से मुंबई कर निखिल ने जो है अपने इस वाले व्लॉग में कुछ कहा है, आइए देखते हैं। क्या करूं? You just follow your heart. Heart? शाबाश, तूने सोचा था? मैं एंड कर रहा था व्लॉग, निखिल आया है सरप्राइज फॉर यू, मेरे में भी चर्बी थी, मैंने एडिट में निकाला नहीं, उसको डाल दिया, तो बहुत सारे लोग सरप्राइज क्या है, सरप्राइज क्या है। देखो भाई, सरप्राइज ऐसा है कि वो सिर्फ मेरे लिए है और मेरा उसके लिए, वो हम दोनों का मतलब एक दूसरे के लिए। अभी वो देखो भाई, लाइफ का सिंपल असूल है मेरा, बुरी चीज़ कभी भी कैमरे के सामने बोलना नहीं, और ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ दो लोगों के लिए अच्छी, वो कभी भी किसी से शेयर करना नहीं। तो जब सही मौका आएगा तब अपन शेयर कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। मैं बोलना था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं करूंगा, ऑफ कोर्स करूंगा। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है वो सरप्राइज क्या हो सकता है? क्या लोग जो सोच रहे हैं वही, या कुछ और? गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है बीबी की वाइंस यानी कि भुवन बाम और A2 मोटिवेशन की तरफ से। दरअसल A2 मोटिवेशन वो जो है एक चैनल है जहां पर 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अब होता कुछ ऐसा है कि इस चैनल ने जो है भुवन बाम को टोटल व्यूज के मामले में क्रॉस कर लिया। जी हां, जिसको लेके जो है A2 मोटिवेशन, उन्होंने जो है कुछ ये कहा। हम लोग जो हमारे चहेते हैं बीबी की वाइंस, उनसे व्यूज के मामले में हम लोग आगे निकल गए हैं। 3.24 बिलियन व्यूज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, एंड थैंक यू सो मच। और वो भी हमने किए हैं मात्र 7 से 8 महीने में। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस माइलस्टोन को अचीव करवाने के लिए। वैसे कल हमने भुवन बाम के व्यूज को हमने क्रॉस कर लिया था। भुवन बाम मेरे खुद के आइडियल है, यू नो यूट्यूब पे हर किसी के चहेते हैं भुवन बाम, तो मैं खुद उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उनके वीडियोस को बहुत पसंद करता हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं भुवन बाम के व्यूज को क्रॉस कर रहा हूँ, उनके चैनल के व्यूज को क्रॉस कर रहा हूँ, वो भी 8 महीने में। और ये पॉसिबल हो पाया आप लोगों के प्यार की वजह से, और अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते। अगली जो न्यूज आ रही है BTS की तरफ से। जी हाँ, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। होता कुछ ऐसा कि BTS की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग अपलोड हुआ है जिसका नाम है बटर, और भाई इस सॉन्ग ने जो है कुछ 13 मिनट में 10 मिलियन व्यूज कम्प्लीट किया। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको लेकर जो है RVCJ उन्होंने पोस्ट किए और कहा, BTS का बटर सॉन्ग यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे फास्ट म्यूजिक वीडियो है जिसने 10 मिलियन व्यूज सिर्फ 13 मिनट में हिट कर दिया। डायनामाइट का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं भाई, 5 घंटे में जो है कुछ 46 मिलियन व्यूज हो गए थे, और एक दिन में जो है कुछ 140 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं भाई, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कि 13 मिनट में 10 मिलियन व्यूज, अपने कितने होते 13 मिनट में? अच्छा 1000 ना।
गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मिस्टर फैसू 07 की तरफ से। और भाई शायद लगता है मिस्टर फैसू वो जो है हमें कोई बॉलीवुड की मूवी में दिखाई दे सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ पर जन्नत मिर्जा जी हाँ जो कि पाकिस्तान की काफी बड़ी टिकटॉक स्टार है, तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो वहाँ पर जन्नत मिर्जा ने कुछ ये कहा। बॉलीवुड से मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वहाँ बॉलीवुड के एक्टर्स हैं बहुत से हैं, जैसे कि आप फैसू, मिस्टर फैसू काफी वो बिग फिल्म कर रहा है, मेरे ख्याल से वो इस वक्त टॉप पे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे टॉप पे है। क्या पता भाई छुप छुप के मतलब चल रहा हो कुछ प्रोजेक्ट। एनीवेज आप लोग को इससे रिलेटेड क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ यहाँ पर फैसू और जुमाना खान की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है मार ही डालोगी। ये देख के जुमाना खान का तो नहीं पता लेकिन वो छोड़ो यार। आरामी मानुस। हाय जन्नत जुबैर। वाह है ना उधर चल झूठा। गाइस अगली और बैड न्यूज आ रही है वो आ रही है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से। जी हाँ जैसे कि आप लोगों को पता है ये गेम बस आने में ही है, प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है लेकिन अब जो है कुछ रुकावटें आ रही है। और वो रुकावटें क्या है उसकी जो है पूरी एक डिटेल वीडियो अपलोड की है टेक्नो रूहेस ने अपने चैनल पे। अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो देखना होगा, अगर आप लोग को पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आइए एक शॉर्ट क्लिप बताता हूं उसमें से जिसे देखकर आप लोग समझ जाओगे कि भाई आखिर वो रुकावट क्या है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बैन करने के लिए इंडिया में बोला जा रहा है। वेट कर रहे हैं कि भाई हाँ ये गेम आएगा, हम इसको अच्छे से खेल सकेंगे। उससे पहले ही कुछ पॉलिटिशियंस से इंडिया में जिन्होंने दोस्तों ट्वीट्स कर दिया, लेटर लिख दिया है, ओपन लेटर लिख दिया है हमारी गवर्नमेंट को, मोदी जी को और अमित शाह जी को, उन्होंने टैग करके बोला कि भाई ये जो गेम है ये एक्चुअली में पबजी मोबाइल ही है और वो री एंट्री कर रहा है इंडिया के अंदर, बस नाम वगैरह चेंज करके वो लोग यहाँ पर उसको लेके आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि टेंसेंट के ही कुछ एम्प्लॉइज जो है वो वापस से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के साथ ही काम कर रहे हैं और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। हाँ भाई इसका चाइनीज कनेक्शन है और इसको इंडिया में लेके नहीं आना चाहिए। वैसे ये जो है जिन्होंने ये बोला है ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है और अभी करंट वो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए है जिनका नाम है निनोंग एरिंग। तो भाई ये थी कुछ बैड न्यूज, अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे। बाकी इसको लेके आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो बस गाइस आज का वीडियो यही पर खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्लैप। अबे साले रुको जरा सबर करो। इतने सारे फन पार्ट बना लिया ना कि समझता नहीं है कि अब बनाना क्या है। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। आज कुछ हटके ट्राई करते हैं, मेरे को नहीं पता अच्छा बनने वाला या नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये जन्नत सुनना। हाँ बोलो ना फैसू। मैं क्या बोलता है, मैं ना अपने हाथ में हाथ रख रहा हूँ, तू भी रख ठीक है। हाँ फैसू जैसा आप कहे। ये ले किया। ये लो मैंने भी की। हाँ अब इससे क्या होगा देखो मालूम। क्या होगा फैसू? इससे जाज व्लॉग्स को इंसिडेंस बनाएगा। ए फैसू भाई ऐसा गलत है, ये अगर मेरे लिए ऐसा कोइंसिडेंस करोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा रियल होना चाहिए ना। ओह माय।